राम माली सरकारी नौकरीना सपना जोता हता। तेओ तेमना परिवार अने समाजमां दाखलो बेसाडवा मांगता हता, परंतु तेमनी गरीबी तेमना सपनाओ वच्चे आवी गई अने तेमणे साफ सफाईनुं काम शुरू कर्युं, जे त्यांना आसपासना लोको करता हता। तेओ एकलता अने निराशा अनुभवता हता। आनी वच्चे तेमने हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऑफ HWTC ने जाणवानो मौको मळ्यो अने आवुं ज घणुं बधुं हतुं जे आ बधानी वच्चे रामने समजवानो मौको मळ्यो। जेम के 2013 नू मेन्युअल स्केवेंजर एक्ट, आ कायदो वास्तव में मेन्युअल सफाई कामदारो तरीके रोजगार पर प्रतिबंध मूके छे। हवे तेओ तेमना अधिकार विशे सरखी रीते जाणे छे अने स्वच्छताना कामनी साथे साथे नाळाओनी सफाईनी कामगीरीमां आधुनिक टेक्नोलॉजी अने मशीननो उपयोग केवी रीते करवो ए पण जाणे छे। तेओनुं मानवुं छे के हवे समाजमां इज्जतथी रहेवुं तेमना माटे संभव छे अने आ साथे ज समाजनी मददथी तेओ उद्योग साहसिक पण बनी शके छे। आजे राम पुणेमां स्वयं सहायता समूह अने स्वच्छता मित्रना जनरल सेक्रेटरी छे। हवे तेओ सरकारी परीक्षा माटे तैयारी करी रह्या छे। मैं सोलापुर से हूँ और वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा अकल पड़ता है और अकल पड़ने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन सोच पाना बहुत मुश्किल है, स्ट्रांग नहीं है। और इसके लिए मैं पूना सिटी में काम के लिए आया था, एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर काम शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के पहले काम ढूंढने के लिए हमें नाके पे खड़ा रहना पड़ता था और नाके पे खड़े रहने के बाद में काम ढूंढना पड़ता था, काम मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने वर्ल्ड टॉयलेट के बारे में पता चला, उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में एक प्रोफेशनली एज अ काम करने लगे। पहले हम हाथ से काम करते थे और आज जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। PPE किट विथ मशीन जो काम करने के लिए पहले घंटों लगता था, अभी वो कम समय में हो जाता है और उसके लिए हमें एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 काम एज अ पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेरणा मिली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ और बनने के बाद सैनिटाइजेशन वर्कर मैं खुद पता है मेरे को कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे मेरे भविष्य में सपने हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ और खुद भी कुछ बन सकूँ। ભારતમાં કોરોનાને ડામવા માટે રસીકરણ અભિયાન પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે। રસીકરણ અભિયાનને વેગ મળે એ માટે દેશમાં જોરશોરથી જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। સરકારનું પૂરું ધ્યાન જલ્દીથી જલ્દી 100% રસીકરણના લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરવાનું છે અને આ જ કારણથી સરકારે નક્કી કર્યું છે કે જે લોકો શારીરિક રીતે રસીકરણ કેન્દ્ર સુધી આવવામાં અસક્ષમ છે એવા લોકોને ઘરે જઈને રસી આપવામાં આવશે। COVID-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग जनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है, जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने SDM मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा कर के वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में।
भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगरपालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।